लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि तीन पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करी है। जब बैठक चल रही है तो हम बाहर रहते हैं, हमने उन्हें अपनी सूची दे दी है, अब उन्हें हमें बताना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी पिछले 30 वर्षों की राजनीति समझौते की रही है, यह तय था कि कौन कहां लड़ेगा। उनकी ताकत उन निर्वाचन क्षेत्रों में है जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, इसके लिए निश्चित वोट और जन प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए, तो ये जरूरत हमारी भी है और उनकी भी है। प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी को सांकेतिक चेतावनी देते हुए कहा कि उस जरूरत को समझते हुए बातचीत की जानी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि वो तीनों की बैठक पहली होती है, वो पहले तय कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग की चर्चा होती है। जो पिछली बैठक हुई उस बैठक में हम लोग ने अपनी एक सूची उनको दे दी है और कहा है कि समझौते में जब बुलाया नहीं गया था तो हम लोग ने इन सीटों पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कंसंट्रेट कर रहे थे। आप इनमें से आप कितने सीटें दे सकते हो ये आप हमको बता दीजिए। दूसरी बात वहां पर है कि जिस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि हमको डेमोक्रेसी की सोशलाइजेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी एक परिवार या किसी एक समाज के अंदर सत्ता पूरी संपन्न हो ऐसे विचार के हम लोग नहीं है। इसलिए दूसरा जो हम लोग ने कहा है कि 15 ओबीसी के कैंडिडेट जो कॉमन लिस्ट बनेगी उसमें होना चाहिए। तीसरा जो है कि हम लोग बीजेपी के आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, जो एक्सक्लूसिव की उनकी राजनीति है, माइनॉरिटीज को वो उम्मीदवारी नहीं देते, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो, चाहे वो जैन माइनॉरिटी हो, इनको ये उम्मीदवार नहीं देते। इसलिए कम से कम 3 सीटें जो है ये रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम लोग ने देना चाहिए। इन बातों पर हम लोग ने उनसे हमारे जो वंचित आघाड़ी के प्रतिनिधि गए थे उनसे बातचीत हुई है और उनसे कहा कि सोशल डेमोक्रेटाइजेशन अगर होता है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ये भी उनको बताया गया है कि आखिरी वक्त तक हम लोग ये जो कॉमन एजेंडा जो है इसको लागू करने के लिए और अमल करने के लिए आप लोगों के साथ रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी राजनीतिक दल है ये इसमें डेमोक्रेसी को सोशलाइजेशन करने में पूरी तरह से मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और अपने पार्टियों में भी बदलाव करने की बातचीत शुरुआत करेंगे। सर, जो बैठक हुई उसमें मोटे तौर पर यह तय हुआ है कि 20, 18 और 10 के आंकड़े तय हुए। सुन लीजिए, उसमें से कहा जा रहा है कि शिवसेना कोटे से आपको 2 सीटें देने की बात की जा रही है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि मैं अगर अलग लड़ता तो हम लोग कम से कम 2.5 लाख के नीचे, हर 48 में से 46 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.5 लाख के नीचे हम लोग वोट नहीं लेते। और आज की जो स्थिति है उस स्थिति में मिनिमम जो है वो 6 सीटें जो है वो हम लोग जीतते हैं। ये यहाँ की सिस्टम भी जानती है, राजनीतिक दल भी जानते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो मुर्गी हम लोग ने पकाई है उस मुर्गी का बराबरी के तरीके से हिस्सा होगा और आखिरी दम तक हम लोग कहेंगे कि बराबरी के हिस्से के लिए सबको लिया है, इसको हम लोग प्रयास करते रहेंगे। बराबरी अर्थात 12 सीटें पर? मैं 12 बारी की नहीं कह रहा हूं, मतलब उस तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर किसी को संतुष्ट हो, हर किसी की इज्जत बचे, जैसे कि एनसीपी और शिवसेना दोनों की नई पार्टियां हैं, उनके सामने जो समस्या है वो हम लोग भी जानते हैं कि जो सिंबल उनको मिला है वो परमानेंट होना चाहिए और दूसरी है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होना ये भी जरूरी है।
ये दो परिस्थिति जैसे उनके सामने है, वही परिस्थिति वंचित बहुजन आघाड़ी के सामने भी है कि वो अपनी आइडेंटिटी पहली बार जो है वो रिकग्नाइज करना और सिंबल अपना फिक्स करने के परिस्थिति में आ चुकी है। इसलिए जो उनकी समस्या है वो वंचित की भी समस्या है, कांग्रेस की वो समस्या नहीं है। इसलिए इस बात को रखते हुए मैं समझता हूं कि बातचीत होगी और इसलिए हम लोग जो है वो इस मुद्दे को लेके हर कोई संतुष्ट हो वो हम लोग देखेंगे। शरद पवार जी ने भी आपसे बातचीत की है, किन मुद्दों पे बातचीत की? मुझे सिर्फ फोन आया है कि बम्बई आएंगे तो अपन बैठेंगे, इतना ही बातचीत हुई है और कोई बातचीत नहीं हुई है। बड़ी पार्टी की भूमिका में किसको देख रहे हैं? महाराष्ट्र में भी सीटों का बंटवारा होता है जैसे आपने कहा। देखिए, अगर वोटों की बात करो तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना हो, इनका जो पिछला 20 साल का 25 साल का जो इतिहास है ये समझौते का इतिहास है। जहां पर ये लड़ते थे वहां पर उनका वजूद बचा हुआ है, जहां पर ये लड़ते नहीं थे उनका वजूद खत्म हो चुका है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो मांग रही है, जो सीटों पे उन्होंने लड़ा है वही सीटें वो मांग रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि हमको वही सीटें मिलनी चाहिए। उससे बाहर वो सीट नहीं मांग रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनका वजूद वहां पर खत्म हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बात को देखते हुए कि बराबरी होनी चाहिए, हर किसी की जो मजबूरी है वो मजबूरी पूरी होनी चाहिए, उसको हम लोग ध्यान पर रखते हुए बातचीत कर रहे हैं। आपको सर नहीं लग रहा कि यदि आप उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, वोटों का? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मल्टी कॉन्टेस्ट होता है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो धर्म की होगी, धर्म की राजनीति की होगी। क्योंकि जितने भी उम्मीदवार होंगे, दो या चार मतदार संघ छोड़ के बाकी सभी हिंदू होंगे, इसलिए हिंदू